उदयपुर वाटी कस्बे के किरोड़ी रोड पर स्थित एकता पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को गुड लक पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीआई भंवरलाल कुमावत थे। विशिष्ट अतिथि व्याख्याता मीना चौहान थी। अध्यक्षता बीसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश भूपेश ने की और गुड लक पार्टी की शुरुआत अतिथियों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। विद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर संतोष सिरोही ने स्वागत भाषण के साथ विद्यालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी। कार्यक्रम में कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने अपने सीनियर्स 10वीं के विद्यार्थी को विदाई देते हुए गुड लक कहा। वहीं सीनियर्स ने जूनियर्स को कैंडल देकर उजाले की ओर अग्रसर होने की कामना की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा मिस एकता व मिसेज एकता चुना गया। सीआई भंवरलाल कुमावत ने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रहने की आवश्यकता है। बच्चों का भविष्य मोबाइल की वजह से खराब हो रहा है। आजकल के बच्चे मोबाइल का सदुपयोग करने के बजाय दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। मोबाइल में ऑनलाइन व्यक्ति से किसी भी तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बीसीएमएचओ डॉक्टर मुकेश भूपेश ने कहा कि विद्यार्थी जीवन में 10वीं के बाद में 5-7 साल मेहनत कर लें तो जीवन के 50 साल सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते रहोगे। मिस ईपीएस प्रेरणा बंसल, मिस्टर ईपीएस शोएब खान, मिस टैलेंटेड अंतरा सैनी, मिस्टर टैलेंटेड आमिर खान, मिस्टर शोएबल सुमित जांगिड, मिस इंटेलिजेंट साक्षी, मिस्टर ऑलराउंडर राहुल सैनी, मिस ऑलराउंडर मनीषा जांगिड का चयन करके अतिथियों ने उनका सम्मान किया। प्रिंसिपल प्रखर भारद्वाज ने कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान अध्यापक मुनेन्द्र पाठक, मनोज सैनी, कपिल राज, अरुण कुमार, नीतू पाठक, दिव्या सैनी, किरण ममता, सरोज समेत विद्यार्थी मौजूद रहे। अपने अपने परिवार का आप प्रसन्न है, सभी शिक्षा ले रहे हैं, सभी अच्छी एग्जाम, अच्छे एजुकेट, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। घर पर घर का ध्यान रखें, अपनी लाइफ जो है एजुकेशन के अलावा जो क्राइम कंट्रोल जो रखना भी अति आवश्यक है। बिना क्राइम अपन ध्यान नहीं देंगे तो अपनी लाइफ हो सकता है अंदर अदर स्टाइप हो सकती है। मेरा यही कहना है कि आप अपने परिवार के लिए, आपके आस पड़ोस में किसी एनी पर्सन अननोन पर्सन किसी का भी समय देते हुए किसी वीडियो नहीं है। आज का समय जो अभी थोड़ा गंभीर है, आपको सजग रहना है। जो अपराध हो रहे हैं उनको देखते हुए किसी भी अननोन पर्सन का वीडियो नहीं करें, किसी भी अननोन मोबाइल जो अपने लाइफ में एक अंग बन गया है मोबाइल, बिना मोबाइल आदमी कुछ नहीं कर सकता। पर मैं कहना चाहूँगा जितना मोबाइल